स्वागत है दोस्तों आपका इस वीडियो में। तो हम वीडियो में ग्रासलैंड के जो अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग नाम है उसकी कुछ ट्रिक्स देखेंगे। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ ऑस्ट्रेलिया में इसे डाउन कहा जाता है, तो इसे याद कैसा रखा जाए। तो इमेजिन कीजिए ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट मैच खेल रही है, उसमें उनके दो विकेट्स गिर चुके हैं, तो हम किस तरह से उसे बोलेंगे कि ऑस्ट्रेलिया टू विकेट्स डाउन। तो इस तरीके से हम इसे याद रख सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट मैच खेल रही है एंड दे आर टू विकेट्स डाउन। नेक्स्ट इज साउथ अमेरिका में इसे पंपास कहा जाता है। तो एक यहाँ पे भी आपको एक स्टोरी इमेजिन करनी है। इमेजिन कीजिए कि आपके जो पापा हैं वो साउथ अमेरिका में गए एक क्लास करने के लिए और वहाँ वो पास हो गए। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, पापा साउथ अमेरिका में गए और वहाँ वो पास हो गया, तो साउथ अमेरिका में इसे पंपास कहा जाता है। थर्ड इज एशिया में इसे स्टिप्स कहा जाता है। तो इमेजिन कीजिए कि एशिया में हम जैसे कि देखते हैं इंडिया में हमें बचपन से यही सिखाया जाता है कि अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको स्टेप्स वाइज ही जाना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं एशिया में इसे स्टेप्स कहा जाता है। नेक्स्ट इज नॉर्थ अमेरिका में इसे प्रेरीज कहा जाता है। तो जैसा कि आपको पता है नॉर्थ अमेरिका जो है ये पूरी दुनिया के लिए एक प्रेरणा बन चुका है, प्रेरणा यानी कि मोटिवेशन। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं नॉर्थ अमेरिका में इसे प्रेरीज कहा जाता है। नॉर्थ अमेरिका एक प्रेरणा है पूरे देश के दुनिया के लिए, तो इसे नॉर्थ अमेरिका में प्रेरीज कहा जाता है। अफ्रीका में इसे वेल्ट कहा जाता है। अफ्रीका में काफ़ी जो लोग हैं वो एक अच्छे पैमाने पर नहीं है। तो इमेजिन कीजिए कि अफ्रीका के जो भी लोग हैं वो वेल्डिंग का काम करते हैं। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं अफ्रीका में जो लोग हैं वो वेल्डिंग का काम करते हैं, तो अफ्रीका में इसे वेल्ट कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।